हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक हमने कल कवर किया था महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ एक नया टॉपिक जिसमें हम भारतीय पर्यावरणीय संस्थान, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। और साथ ही कुछ एडिशनल क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ जो टॉपिक्स होते हैं कि भाई ये क्वेश्चन को देख करके उसके साथ ही उसका छोटा मोटा जितना भी उसका जानने लायक उसमें चीज़ें होती है वो साथ के साथ जान लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बेहद बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी की दीपावली बहुत शुभ हो, बहुत अच्छी हो, खुशियों भरी हो और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सेफ दिवाली मनाएं। ठीक है, पटाखे वटाखे थोड़े कम जलाएं, दीपक जलाएं और खुशियां मनाएं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों एक मज़ेदार क्लास के साथ। तो EVS की हमारी क्लास नंबर 23 है। इससे पहली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो उनको ज़रूर से देखें। दीपावली की आपकी कल छुट्टी रहने वाली है तो अपना त्यौहार अच्छे से मनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बचा कर उसमें अपना रिवीजन करिए। ठीक है, क्योंकि आपकी आने वाली जो अगली दीपावली होगी उसमें आप अच्छे अध्यापक और अध्यापिका बन चुके होंगे, तो वो दीपावली आपके लिए उससे ज़्यादा स्पेशल हो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपना थोड़ा थोड़ा समय भी बचाना होगा जहाँ भी आप लगा रहे हैं उस हर जगह से। तो चलिए फिर दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के साथ। तो यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। जैसे कि आप पहला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये संबंधित है रेड डाटा बुक से। अब बहुत सारे बच्चे तो पहले से जानते होंगे कि रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, क्या है इसका मतलब, लेकिन जो नहीं जानता वो भी जान जाएगा। पहले तो आप प्रश्न देखिए बना कैसे है। यहाँ पूछा गया है रेड डाटा बुक संबंधित है किससे, ये बताना है रेड डाटा बुक है किससे संबंधित। नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण से या घटता भूगर्भ जल स्तर या विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं उनका इसमें डाटा रखा जाता है या फिर वायु प्रदूषण का डाटा इस बुक में रखा जाता है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक बुक है और रेड डाटा रखने वाली, रेड डाटा मतलब उन जीव जंतुओं के बारे में इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि एक संकट वाली स्थिति में है, विलुप्त होने की कगार पर है, उनका इसमें डाटा रखा जाता है। ठीक है, तो बातों बातों मैंने इसका आंसर भी आपको बता दिया कि जो विलुप्ति के करीब जीव जंतु है उनका इसमें डाटा रखा जाता है रेड डाटा बुक में। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जो दिया गया है इसमें बहुत अच्छे से देखेंगे हम, क्योंकि रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, ठीक है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम इसके बारे में पूरा जान लेंगे। चलिए देखते हैं। तो रेड डाटा बुक विलुप्ति के करीब जीव जंतु के से संबंधित है। जो रेड डाटा बुक है वो विलुप्त के करीब जो जीव जंतु है उससे संबंधित है और रेड डाटा बुक में विश्व के सभी संकटापन जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक बनाई जाती है, यानी पौधों के लिए भी बनाई जाती है, जीवों के लिए भी, जंतुओं के लिए भी अलग अलग रेड डाटा बुक बनाई जाती है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है ये भी प्रश्न बनता है यहाँ से। तो IUCN ये एक संस्था है, इसके द्वारा ये रेड डाटा बुक जारी की जाती है। IUCN की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है।
और इस बुक में क्रांतिक रूप से जो संकट अपन संकट में पड़े जीव जंतु है उनको गुलाबी पृष्ठों पर या पेजेस पर दर्शाया जाता है। और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है, यानी मान के चलिए कि कोई कोई जीव की ऐसी प्रजाति है जो कि संकट वाली स्थिति में है, विलुप्ति के कगार पर है, तो उसका संरक्षण करके उसकी तादाद को बढ़ा दिया गया है ना, फिर उनकी संख्या में वृद्धि हो गई, तो फिर क्या करते हैं, क्या फिर भी वो रेड डाटा बुक में ही रिकॉर्ड रखा जाएगा? नहीं, फिर उसको वहाँ से हटा करके हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, फिर उसको ग्रीन बुक में या हरे पन्नों पर उसको लिख दिया जाता है, उस डाटा को, उस जो भी वो डाटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है, जो पहले रेड डाटा बुक में चला गया था फिर वो हरे पन्नों पर आ जाता है, इसका मतलब कि अब सेफ जोन में है, ठीक है। तो लाल यानी खतरे का निशान, तो खतरे का निशान यानी जो खतरे में हो जो जीव जंतु उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, IUCN के द्वारा ये जारी किया जाता है। अब ये IUCN क्या है इसके बारे में हम आगे आगे जानेंगे, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अभी आगे अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? पेलिकन नामक पक्षी है ये भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नेलापट्टू या कुंथनकुलम या कोकेकारे बेलूर या उपयुक्त, सभी तो नाम बड़े अजीब अजीब है, लेकिन भारत में इन सभी स्थान पर जो है प्रजनन करते हैं, जो पेलिकन नामक पक्षी है वो इन जगहों पर क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। दोस्तों ये पेलिकन नामक पक्षी जो है वैसे तो कहीं अलग देश में रहते हैं, लेकिन जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो ये भारत आते हैं प्रजनन करने के लिए, इसके बारे में भी आपको आगे जानने को मिलेगा। यहाँ सिर्फ आपको दिखाया गया है कि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, बाकी इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये आपका SCERT से उठाए गए प्रश्न हैं, ये सारे के सारे, जो ऊपर रेड डाटा बुक वाला भी और ये पेलिकन पक्षी भी है ना, और आगे आने वाले IUCN, ये सारे आपका SCERT की बुक से उठाए गए प्रश्न हैं। तो SCERT की बुक से बनाई गई जो नोट्स है वो एक बार में मैं शुरू करके उनको पूरा करवा दूंगी आपको अच्छे तरीके से, इस चैप्टर को फिनिश करके, है ना। और जो जो टॉपिक इसके बीच में आता रहेगा वो भी मैं वहाँ से इंक्लूड करती रहूँगी। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, यूपी टेट में 2 बार, 2018 में, 2011 में, उत्तराखंड टेट में भी पूछा गया है 2016 में। तो क्या है प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कल बहुत अच्छे तरीके से हमने सीखा था कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो ये तो यहाँ पर उसी का डाटा दिया गया है कि 2018 में इसका क्या थीम था, तो ये बताइए मुझे 2021 में क्या थीम था? 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था इको सिस्टम, शायद कल ये मैंने कराया भी था आपको, अगर नहीं इसका थीम नहीं बताया था तो लिख लीजिएगा इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, ठीक है, रीस्टोरेशन, तो ये इसका थीम है 2021 में, ठीक है। इकोसिस्टम पर जो दबाव पड़ रहा है प्रदूषण का, उससे रक्षा करना, ठीक है, इस बढ़ते दबाव को कम करना जो कि जनसंख्या जैसे लगातार बढ़ती जा रही है इसको कम करना, तो ये थीम था 2021 को जो कि 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया गया था, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली भी इसको हम कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में एक और चीज़ आप लोग जानते चलिए कि 2021 में जो ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया इसकी मेजबानी कौन से देश ने की, ठीक है, मेजबानी कौन से देश ने की, क्योंकि इस बार की है किसने, पाकिस्तान ने, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में भी, है ना, जानना, क्योंकि इस बार पाकिस्तान ने क्या की है, मेजबानी की है विश्व पर्यावरण दिवस की। और साथ ही साथ जैसे मैंने इसका थीम आपको बताया इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इसको हिंदी में कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, लिखना चाहे तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे, एगमार्क का संबंध है किससे, एगमार्क का संबंध किससे है? तो कल मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया था कई सारे ये मार्क्स
है ना, ये चिन्ह बताए थे कौन किससे संबंधित है। तो ये यूपीटेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से अब इसका आंसर आप मुझे करेंगे। बिल्कुल एकदम बढ़िया सटीक जवाब आपने दिया ऑप्शन नंबर ए, खाद्य जो हमारे पदार्थ होते हैं उनकी गुणवत्ता से संबंधित है एग मार्क का चिन्ह। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। आप जानते हैं ये भी आपका एससीईआरटी की जो बुक्स होती है ना, 8th क्लास तक की, उन्हीं से उठाया गया ये प्रश्न है। इनको बहुत जल्दी मैं कवर कराने वाली हूँ, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट सारे नोट्स मिलेंगे, अच्छे से कराए जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को तुरंत पूरा करते ही तो ये रेनडियर वगैरह ये वहाँ पर आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ हम सिर्फ इसके क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है, गर्म मरुस्थल में, मानसून वाले क्षेत्र में, या फिर टैगा में, या टुंड्रा प्रदेश में। तो इसको आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, जो रेनडियर है ये कहाँ पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, और यूपीटेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये फेमस क्यों है, क्योंकि जो यहाँ के निवासी है, ठीक है, टुंड्रा वाले क्षेत्र के, टुंड्रा प्रदेश के जो निवासी है, ये इसकी खाल से बने कपड़ों को पहनते हैं सर्दियों में। ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। साथ ही साथ इसके बारे में थोड़ा सा अभी जान लीजिए, बाकी जब हम इस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, इसका सारा का सारा जब हम कॉन्सेप्ट इसका जानेंगे, तो वहाँ वैसे मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करूँगी। यहाँ इसके साथ यही जानते हुए चलिए कि रेनडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, रेनडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई का काम करते हैं। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेनडियर की खाल पहनते हैं तथा भोजन के रूप में रेनडियर के मांस तथा दूध का भी उपयोग करते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना इनके लिए ये जो जानवर है, जो भी है रेनडियर, कितना ज़्यादा इनके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अभी यहाँ थोड़ा सा जीवों के बारे में देखिए, बायोम्स जिसको हम बोलते हैं, आर्कटिक मरुस्थल कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश को, है ना, टुंड्रा प्रदेश को। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में प्रश्न बहुत आते हैं, तो अभी इसकी आप इम्पोर्टेंस जान लीजिए, बाकी इसका टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगी। ठीक है, पूर्णतः वृक्ष विहीन प्रदेश कौन सा है जिसमें वृक्ष नहीं है। ठीक है, तो पूर्णतः वृक्ष विहीन प्रदेश है टुंड्रा प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। मांस और लाइकेन किस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, तो ये भी टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियाँ है। रेनडियर जो जंतु है वो कहाँ पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, अभी क्वेश्चन देखा हमने यहाँ से। ठीक है, शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता कहाँ पाई जाती है, तो ये टैगा प्रदेश में पाई जाती है। ये टुंड्रा प्रदेश क्या है, टैगा प्रदेश क्या है, वही हम जानेंगे, बस अभी यहाँ इससे बनने वाले आप इन प्रश्नों को निहारते हुए चलिए। ठीक है, टर्न नामक पक्षी की प्रवासन क्षमता सबसे अधिक होती है टुंड्रा बायोम में। ठीक है, टुंड्रा बायोम क्षेत्र के खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है, तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले मांस या लाइकेन को खाएगा रेनडियर, रेनडियर से फिर एस्किमो मानव कौन सा होता है जरा बताइएगा, एस्किमो मानव किसे कहते हैं, ये एक जनजाति होती है जो कि टुंड्रा प्रदेश में रहती है। और दोस्तों एस्किमो का मतलब अगर हम जाने ना, एस्किमो क्यों कहा जाता है इन्हें, एस्किमो मानव का क्या मतलब है, एस्किमो का मतलब है कच्चा मांस खाने वाले। ठीक है, कच्चा मांस खाने वाले, इसलिए इनको एस्किमो कहा जाता है। ये जनजाति है जो कि टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है, और बाकी बातें हम इसकी इसके टॉपिक के साथ करेंगे। अभी चलिए, इतना आपने जान लिया बहुत अच्छे तरीके से, तो अब मुझे ये बता दीजिए एगमार्क का संबंध किससे है, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, या फिर उत्पादन से। तो ये तो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपका जो क्वेश्चन था इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, तो ये गुणवत्ता से संबंधित है, आप सभी ने इसका सही जवाब भी
दिया था। आगे चलते हैं, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता के जो मानक है, कुछ चिन्ह है जो निर्धारित किए गए हैं, हमने कल की क्लास में जो जाने थे वही यहाँ दिए गए हैं। बाकी एक नया है, इसको भी आप देखते हुए चलिए, ब्यूरो मानक। तो ब्यूरो मानक किससे संबंधित है, ये पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु रोकने के लिए ये एक गुणवत्ता का सूचक है या मानक है, जिसको हम ब्यूरो मानक कहते हैं, ठीक है, वाहनों पर लगाया जाता है। बात करें एग्मार की, तो हमने देख लिया कृषि और खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवत्ता का निर्धारण करता है। हॉलमार्क सोने की गुणवत्ता का निर्धारण करता है ना, या मानक है। इकोमार्क की अगर बात करें तो पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित है इकोमार्क। इतना आपने कवर कर लिया। आगे देखते हैं, MS स्वामीनाथन एक थे क्या, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, या पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, या फिर पक्षी विज्ञान वैज्ञानिक थे। तो आप जानते हैं MS स्वामीनाथन जो थे, ये एक क्या थे, कृषि वैज्ञानिक थे, और जो भारत में हरित क्रांति लेकर के आए थे ये वही है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है। 1966 में ये मैक्सिको से एक उन्नत किस्म के बीज लेके आए थे, हाइब्रिड बीज लेकर के आए थे, जिससे क्या हुआ था, भारत में हरित क्रांति आई थी। उन बीजों से इन्होंने एक नई नस्ल तैयार की थी बीजों की, जिससे फिर हरित क्रांति आई, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होने लगा, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में। और फिर इनको इसी काम के लिए एक पद्म विभूषण जो पुरस्कार होता है, भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया था, ठीक है, 1889 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे पूछा गया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, क्या है ये, WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में, या देहरादून में, बताइए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये स्थित है कहाँ, देहरादून में स्थित है। तो इनको भी हम जानेंगे कौन कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये कहाँ है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ये देहरादून में है। बाकी अब यहाँ पर देखिए आपके सामने ये सभी पर्यावरण से संबंधित जो संस्थान हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। और ये पेपर में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। आपने अभी देखा 2018 में ही पूछा गया है WII का, अब उसके बारे में तो हमने देख लिया, लेकिन और भी बाकी है जो कि पूछे जा सकते हैं, इन्हें भी देखते हैं। तो सबसे पहला है भारतीय वन्य जीव संस्थान। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, ये भी देहरादून में स्थित है, भारतीय वन्य जीव संस्थान, ठीक है। और वन अनुसंधान संस्थान FRI जिसको बोलते हैं, आप कभी घूमे भी होंगे अगर देहरादून गए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये भी कहाँ है, देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। और भारतीय वन्य जीव संस्थान ये भी देहरादून में स्थित है। आगे बात करेंगे GB पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान, ये अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, ये जोधपुर में है, ठीक है। पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, ये नागपुर में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में स्थित है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ है, धनबाद में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ये कहाँ है, तो ये आपका चेन्नई में स्थित है, ठीक है, चेन्नई में। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान, तो ये मौसम संस्थान, उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान पुणे में स्थित है, ठीक है, याद रहेगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये आपका हावड़ा में स्थित है, ठीक है, हावड़ा। और भारतीय हरित न्यायाधिकरण, हरित न्यायाधिकरण है नई दिल्ली में, ठीक है। और क्या है नई दिल्ली में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड भी नई दिल्ली में है,
इसी के साथ साथ पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र, ये आपका बेंगलोर में स्थित है। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र और साथ ही साथ भारतीय विज्ञान संस्थान, दोनों के दोनों कहाँ है? बेंगलोर में है। इसी के साथ पर्यावरण प्रबंधन एवं नीति संस्थान, ये भी कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। कौन कौन सा? पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान और पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान, ये तीनों के तीनों बेंगलोर में स्थित है। आगे बात करें तो सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? ये कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ है? कोयम्बटूर में स्थित है। ये कोयम्बटूर आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, कोयम्बटूर। तो ये आपने बहुत अच्छे से एक बार फिर से देखना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा मेरे साथ साथ। भारतीय वन्यजीव संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान दोनों ही कहाँ है? देहरादून में स्थित है। इसके बाद जो आपको याद रखना है, आपको इसमें याद रखना है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो कि नागपुर में स्थित है। फिर उसके बाद भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, ठीक है। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में स्थित है। खनन किसके किसका करते हैं? खनन, तो खनन करते हैं हीरे का, कोयले का, ठीक है। जो भी हमारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं या प्राकृतिक हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज होते हैं, उनका खनन करते हैं और उनसे क्या निकाला जाता है? फिर धातुएं निकाली जाती है जिनसे कि धन प्राप्त होता है, है ना। तो उनको बेचने से क्या होता है? धन प्राप्त होता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, धनाबाद धनबाद खनन पर्यावरण केंद्र, ठीक है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में स्थित है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान ये पुणे में। इसके बाद भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये हावड़ा में स्थित है। आगे बात करें तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और इसके साथ साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके साथ साथ पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान और पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान, ये तीनों के तीनों बेंगलोर में स्थित है। अगर बात करें सलीम अली पक्षी विज्ञान, ये कोयम्बटूर में स्थित है, तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया बहुत बढ़िया तरीके से, ये याद हो जाएंगे आपको अच्छे तरीके से, एक बार फिर से आप लोग इनको देखिएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए 2017 में पूछा गया प्रश्न है, WWF से क्या आशय है? WWF तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है। ये आपके इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं और ये उसी का एक उदाहरण है। बाकी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आपने देखा था तो वो भी इसी से संबंधित था और इनके बारे में हम अभी आगे जानेंगे आज की क्लास में भी। और फिर हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ना उसमें हम क्या करेंगे, ये जो भी प्रमुख पर्यावरण से संबंधित जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उनको मैं एक काम करूँगी कि ऐसा कर लूँगी कि जिन जिनका, क्योंकि इनका ये पूछा जाता है इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से इनकी स्थापना कब हुई, इसका हेड कौन है, ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं एक काम करूँगी, इनको जो भी, जैसे मान के चलिए उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, तो सेम को एक जगह पर मैं कलेक्ट कर लूँगी, जिनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है वो एक जगह, जिनका जिनेवा में है उनका एक जगह, इस प्रकार से उनको डिफ्रेंशिएट करके मैं एक जगह पर आपको करके उसको नेक्स्ट क्लास में लेकर के आपके सामने आऊँगी, ताकि आपको उसमें आसानी रहे याद करने में कि किसका कहाँ था मुख्यालय, ठीक है। साथ ही उसमें कौन हेड है, कब उनकी स्थापना हुई, फुल फॉर्म क्या है, सारी चीज़ें हम जान लेंगे, कोई परेशानी वाली आपको बात नहीं है। मैटर प्रोवाइड करने की, आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी आ गया उसका रिवीजन करने की जिम्मेदारी फिर आपकी बनती है। अगर आप सिर्फ इकट्ठा करते रहेंगे उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जितना भी आपको मिले रिवीजन में दिया करिए, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं WWF का आशय किससे संबंधित है, बहुत सारे आप अभ्यर्थियों ने इसका जवाब दे भी दिया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इससे संबंधित है। WWF संबंधित है
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से संबंधित है, या इसका फुल फॉर्म ये होगी, ठीक है। यहाँ देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यहीं पर WWF से आशय है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से संबंधित है, और इसी के साथ साथ सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF किसका सहायक संगठन है, IUCN का, जिसके बारे में शुरुआत में ही जाना हमने, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी जॉइंट पांडा है, ठीक है। जिसका प्रतीक चिन्ह है, इसका लोगो है, वो कौन है, जॉइंट पांडा है, जो कि विलुप्त प्राणी है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा उसके रखरखाव संबंधित मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को ये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, ठीक है, ये संस्था। तो ये आपको इसके बारे में जानने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बिंदु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम इन्हीं पर्यावरण से संबंधित जो भी सम्मेलन है या जो भी इस प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जिनमें जैसे देखिए ये रहा वो जॉइंट पांडा जिसकी हमने अभी बात की WWF की, ठीक है। इस प्रकार से इनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, कुछ आज की क्लास में कवर करेंगे, बाकी जो भी बचेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने फ़ोन को आप रोटेट कर लीजिए क्योंकि ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा, देखने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें मैटर ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो फ़ोन को रोटेट करके रखिए तब आपको अच्छा दिखाई देगा, सब कुछ क्लियर, और फ़ोन की क्वालिटी आप वीडियो की यहाँ से इम्प्रूव कर लीजिए, 3 डॉट्स दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए कार्यक्रम एवं सम्मेलन। तो सबसे पहले बात करेंगे यूएनईपी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, यूएनईपी से क्या मतलब है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की फुल फॉर्म है। हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई, एक तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, ठीक है, यूएनईपी की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में, ठीक है, कहाँ है इसका मुख्यालय, नैरोबी में। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधित जितनी गतिविधियां होती है उसको नियंत्रण करने का ये क्या करता है, कार्य करता है। और ग्लोबल 500 पुरस्कार इस संस्था के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में ही दिया जाने वाला एक पुरस्कार है ग्लोबल 500, वो कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है, यूएनईपी, कौन सी संस्था, यूएनईपी संस्था के द्वारा दिया जाता है। चलिए एक हो गया हमारा यूएनईपी के बारे में जान लिया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब दूसरे के बारे में देखते हैं IUCN। IUCN के बारे में हमने आज की क्लास का जो पहला ही प्रश्न था रेड डाटा बुक उसको जानते हुए हमने क्या किया था, इसके बारे में सीखा था। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं, पॉइंट्स में बात करते हैं। IUCN की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, क्या है फुल फॉर्म, तो IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर को, देखिए यूएनईपी की कब हुई थी, 5 जून में, इसकी कब हुई, 5 अक्टूबर को 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। काम क्या है इस संस्था का, तो इसका काम क्या है, संकट ग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादपों के लिए रेड डाटा बुक जारी करने का काम कौन सी संस्था करती है, IUCN करती है, ठीक है। क्या काम है इसका, रेड डाटा बुक जारी करना, उसके बारे में पता लगाना कि कौन कौन से जीव जंतु ऐसे हैं जो कि विलुप्ति की कगार पर है, तो उसके लिए फिर ये अपनी एक रेड डाटा बुक जारी करती है IUCN,
क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीके से दोनों के बारे में। अब तीसरा क्या है, WWF, WWF, ठीक है, इसके बारे में अभी बात की थी हमने, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, यानी प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 अप्रैल 1961 को। मुख्यालय इसका भी स्विट्जरलैंड में है। प्रतीक क्या है, इसका प्रतीक है ये जॉइंट पांडा, जो कि अब विलुप्त हो चुका है, ठीक है, WWF का ये क्या है, प्रतीक चिन्ह है। इसका काम क्या है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है और उसके रखरखाव संबंधित मानदंडों को पूरा करती है। आप देख पा रहे हैं IUCN यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है, उत्तराखंड टेट में भी, पंजाब टेट में भी, और WWF यूपी टेट और उत्तराखंड टेट में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जो हमारे यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको देखते हैं। आगे है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल ये इसका कहाँ, आप कह सकते हैं इसकी स्थापना या इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कनाडा में। इसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1987 में। कब, 16 सितंबर। काम क्या है इसका, ओजोन परत के क्षरण को रोकने का ये काम करती है, जागरूकता फैलाने का, साथ ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय भी इसी के द्वारा लिया गया था, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये काम भी ओजोन परत के क्षरण को रोकने का करता है। आगे बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान से संबंधित है और 11 दिसंबर 1997 को इसकी शुरुआत हुई, और साथ ही साथ ये काम क्या करता है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का काम ही करेगा, ठीक है, कम करने का काम इसका है कि भाई ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो, इसका ध्यान रखना। इसके साथ ही है रियो पृथ्वी सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन जो कि ब्राजील में हुआ था, रियो डे जेनेरियो में 1992 में, कई बार पूछ लिया जाता है कब हुआ था ये सम्मेलन रियो डी जेनेरो में, तो ये 1992 में हुआ था, ठीक है। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 की स्वीकृति इसमें मिली थी। ये उत्तराखंड टेट और हरियाणा टेट में पूछा जा चुका है एक एक बार। आगे बात करते हैं जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी 10 सम्मेलन, ये 2002 में हुआ, सतत विकास पर बल देने का कार्य करता है, गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति देने का ये काम किया इसने, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने पर बल दिया गया था इस सम्मेलन में, ठीक है, सम्मेलन में। कब हुआ था ये सम्मेलन, सन 2002 में, और सतत विकास पर बल दिया गया, साथ ही गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति जताई गई और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने पर बल दिया गया। तो इतना जान लिया आपने बहुत अच्छे तरीके से। अब हम जो यही सारी चीज़ें हम इनको कल भी एक बार देखेंगे, ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ आपको और अच्छे से समझ भी आएगा। कल हम इसको एक टेबल की फॉर्म में मैं इसको बना करके लाऊंगी। यहाँ आपने देख लिया, आपको बहुत सारी चीज़ें अभी के अभी याद भी हो गई होगी। अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, ये संकटग्रस्त जंतु है दैत्याकार पांडा, ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राजील में। यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है 2016 में, तो ये कहाँ पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है, ठीक है, चाइना में पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट 2016 में पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में या शीतोष्ण घास के बायोम में या सवाना बायोम, बताओ। तो ये मैंने जब आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन के बारे में बताया था, तो वहाँ मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर किया था
सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो वन है ये भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। जैसे मान के चलिए ग्लोब है, ये यहाँ भूमध्य रेखा, तो इस वाले एरिया में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। इसी के साथ साथ क्यों पाए जाते हैं यहाँ सबसे ज्यादा वन, क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष सबसे ज्यादा एक तो बारिश ज्यादा होती है, ऊपर से गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ क्या होता है बहुत सारे वृक्ष होते हैं, सबसे ज्यादा वृक्ष इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी वजह से यहाँ पाई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई बहुत अच्छे तरीके से, याद रखिएगा, ये आपका पूछा जा सकता है। तो ये इतना आपको कवर हो गया। अब कल की क्लास में हम यही चीजें एक बार अच्छे से सीखेंगे टेबल की हेल्प से, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, और साथ ही साथ आपको अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर करना आपको नहीं भूलना है, और क्लास पसंद आई है तो अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।